हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे प्यारे साथियों। नौकरी 24 चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में बात करूंगा, जो कि आने वाला कुछ ही समय में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। इसके संबंध में बात करूंगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मेरे लिए इसलिए रहा क्योंकि कुछ मेरे भाइयों के, मेरे साथियों के मैसेज मेरे पास आए कि भैया रेस नहीं हो पा रही है, और जिनमें कुछ ऐसे थे वो ये कह रहे थे कि रेस तो हो रही है लेकिन समय नहीं काट पा रहे हैं, यानी कि जो हमको कम से कम समय में रेस करनी है वो नहीं हो पा रही है। कुछ बताइए क्या करें, कैसे करें, है ना, उसी पॉइंट में बात करूंगा। देखिए, समय बहुत कम रह गया है और तैयारी करनी है हमको, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं। मेन पॉइंट पर चलते हैं। 800 मीटर आपकी रेस है ना, कैसे करनी है। पर्सनली एक्सपीरियंस में अपना शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से अपनी रेस को कंप्लीट किया था, मैं किस तरह से रेस लगाता था और मेरी क्या टेक्निक है, है ना। मैं किसी भी ग्राउंड के लिए मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप जाइए ग्राउंड ज्वाइन कीजिए, आप फीस भरिए, है ना, आप कोच ज्वाइन कीजिए। मैं किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई वो नहीं बोलूंगा। मैं केवल और केवल अपनी मेहनत पर यकीन रखता हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेहनत करें, है ना। देखिए, आपकी जो रेस है वो कितनी है, 800 मीटर आपकी रेस है इसमें, है ना, 800 मीटर रेस। समय आपके पास कम है, जितना भी समय है उतने समय में हमको रेस कंप्लीट करनी है, और यकीन रखें जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आपकी रेस कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आप लेकर आ सकते हो, है ना, कम से कम समय में 800 मीटर रेस कंप्लीट करके। देखिए, आज से हमको करना क्या होगा, आज से हमको यह करना होगा कि हम 2 टाइम रेस को करेंगे। कितने समय, दो दिन में 2 बार, एक सुबह में एक बार शाम में, यानी कि रेस अगर आपको लगाओगे तो 2 बार आप रेस लगाने के लिए जाओगे, एक बार सुबह में जाओगे और एक बार शाम में जाओगे। अब सुबह शाम का मतलब क्या है कि आपको एक बार तो रेस लगानी है लॉन्ग, कितना लॉन्ग, और एक टाइम लगानी है शॉर्ट, ठीक है। एक टाइम लॉन्ग रेस लगानी है और एक टाइम शॉर्ट लगानी है। लॉन्ग का मतलब है कि आपको एक टाइम 5 किलोमीटर की रेस लगानी है, है ना, और एक टाइम आपको शॉर्ट लगानी है। कितनी लगानी है वो अभी बताऊंगा ना। तो एक टाइम कैसे लॉन्ग लगानी है और 5 किलोमीटर की लगानी है। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत है ना, बुखार उखार है तो इसलिए थोड़ा है। तो लॉन्ग रेस आपको 5 किलोमीटर की लगानी है, और 5 किलोमीटर भी हम इसको 2 स्टेप में तोड़ेंगे। कितने में, 2 स्टेप में, और वो 2 ये रहेंगे कि आप एक 3 किलोमीटर और एक 2 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर कैसे कैसे भागना है, भागना तो एक ही बार में 5 किलोमीटर, लेकिन 3 किलोमीटर किस तरह से भागना, 2 किलोमीटर किस तरह से भागना, उस पर बात करूंगा मैं। जैसे अक्सर हम होता क्या है कि हम रेस स्टार्ट करते हैं, है ना, रेस स्टार्ट करते हैं, और आपने अक्सर देखा भी होगा, आप जब रेस लगाने जाते होगे या किसी फिजिकल में गए होगे या ग्राउंड में जब बच्चों के साथ दौड़े होगे, तो हम देखते हैं कि 100 से 200 मीटर रेस लगाने के बाद हमारी सांसें फूलने लगती हैं, हमारी बॉडी थकावट महसूस करने लगती है, और हमको ऐसा लगता है हम अभी रुक जाएं यहीं, हम इससे आगे नहीं भाग सकते, है ना, अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन ये भी एक इतिहास गवाह है इस चीज का कि जो वहां रुक गए वो रुक गए, और जो वहां से भाग निकले, जिन्होंने उस सोच को कि हम थक गए हैं हमारी सांस फूल रही है, उस सोच को हरा दिया, वो जीत गए। ये भी एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है ना। तो मेन पॉइंट क्या है कि हमको शुरू में 3 किलोमीटर स्टार्ट करनी है। जब हम शुरू में भागना स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 3 किलोमीटर किस तरह से भागनी है उस पर मैं बात करूंगा, है ना। एक चीज याद रखें कि जब हम भागते हैं ना तो हमको नीचे नहीं देखना है, अपने पैरों की तरफ नहीं देखना, बल्कि हमारी जो निगाहें हैं वो सीधी होनी चाहिए आगे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। इससे होगा ये कि आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप गिरोगे नहीं, दूसरा कि आने वाला आपके सामने से कोई आ रहा है तो उससे आप टकराओगे नहीं, आप चोटिल नहीं होगे, ठीक है। तो जब हम 3 किलोमीटर भागते हैं तो नॉर्मल जिस तरह से आप भागते हो उसी तरह से आपको भागना है, बस आपकी निगाहें सीधी होनी चाहिए, बॉडी बिल्कुल फ्री बॉडी होनी चाहिए, फ्री। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि आपको हमने वजन रखा हुआ, वेट रखा हुआ बॉडी पे, नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड आपको रेस लगानी है, है ना। 3 किलोमीटर आप भागने स्टार्ट करोगे पूरे एड़ी और पंजा टेक के, जो भी आपका एड़ी पंजा जिस तरह से पैर आपका टिक रहा है ग्राउंड में या आप सड़क पर भागते हो सड़क पर, तो आपको उसी तरह से चलना, ठीक। अब जब 3 किलोमीटर आप पूरी कर लोगे, एक आइडिया होता है कि हमको जो अगर हम गोल ग्राउंड में भाग रहे हैं तो ग्राउंड का जो एरिया है वो कितना है, है ना, या फिर हम सड़क में भाग रहे हैं तो हमको ये पता होता है कि हम कहां तक भागेंगे तो वहां तक वो कितना किलोमीटर हो जाता, इस तरह से एक आइडिया हमारा नपा हुआ होता है। तो लगभग 3 किलोमीटर तो आपको नॉर्मली भागना जिस तरह से भी भागते हैं, ठीक। उसके बाद हमको 2 किलोमीटर आना है, है ना, जो लास्ट का हमारा 2 किलोमीटर बचेगा तो उसको किस तरह से करना है वो समझने की थोड़ा हम कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम रेस लगाते हैं ना साथियों, मुंह बंद कर रेस लगानी है हमको,
मुंह बंद करके हमको जो सांस लेनी है और सांस छोड़नी है वो नाक के माध्यम से छोड़नी है। नाक से हम सांस लेंगे, नाक से हम छोड़ेंगे, हमको मुंह नहीं खोलना है रेस लगाते समय। होता क्या कि जब हम रेस लगाते हैं तो मुंह से, अगर हम मुंह खोलते हैं तो मुंह से अगर सांस लेते हैं, जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो होता क्या है कि हमारी सांसों लेने की वजह से मुंह से हमारे जो फेफड़ों में क्या होता है, हवा भर जाती है और वहीं हम रुकना पड़ जाता हमें। तो हमको रेस जो लगानी है वो मुंह बंद करके लगानी है, नाक से सांस लेनी है और नाक से ही हमें सांस छोड़नी है। अब आ जाते हैं हम 2 किलोमीटर, है ना, लास्ट के 2 किलोमीटर हमको क्या करना है, क्या हमको केवल और केवल पंजे पर दौड़ना है, केवल और केवल पंजे पर दौड़ना है। तो ये 2 किलोमीटर दौड़ना है, कम दौड़ना, तो वो भी बता देता हूं, है ना। इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे 2 किलोमीटर को। ऐसा मत समझना कि हार्ड है, हार्ड नहीं है। आप जब 1-2 दिन करोगे तो बहुत अच्छा महसूस करोगे और इसके फायदे बेनिफिट बताऊंगा क्या है। 1.5 एंड 0.5, यानी कि 1.5 किलोमीटर और ये 500 मीटर या आधा किलोमीटर हम कह सकते हैं ना। तो हमको इस तरह से करना। अब 1.5 किलोमीटर हमको क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कि ये पैर है, ये पैर का अगला भाग है और ये पैर का पिछला भाग है, इसको कहते हैं पंजा और इसको कहते हैं एड़ी, है ना। तो केवल और केवल पंजा हमारा टिकना चाहिए, ना कि एड़ी। एड़ी हमको नहीं टेकनी है। अब जहां भी रेस लगा रहे हो, ग्राउंड में या फिर सड़क पर, हमको एड़ी नहीं टेकनी है लास्ट में, जब हमको 2 किलोमीटर रेस लगानी है। हम 3 किलोमीटर जब रेस लगाएंगे, चाहे हमारा पंजा टिके, एड़ी टिके या पूरा टिके, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब लास्ट के 2 किलोमीटर भागेंगे तो उसमें जो होगा, 2 किलोमीटर में ही हमको केवल और केवल पंजे पर चलना है, ना कि एड़ी हमको नहीं टेकनी है, ना जी, याद रखें, मेन पॉइंट है सबसे ज्यादा। इससे होगा क्या कि जो आपका जो पैर होता है ना, पैर है ना, ऐसे इस तरह से समझे, ठीक, ये हमारा पैर है नीचे और ये हमारी पैर की हड्डी है, ठीक। जो ये हड्डी का जो आगे का जो भाग होता है, इसमें अक्सर दर्द होता है रेस लगाने पर, तो इसका ये दर्द कम हो जाएगा और जो पीछे की जो मसल्स होती है, पीछे की जो मसल्स होती है वो मजबूत हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है आपको रेस लगाने में, सूट लगाने के लिए, है ना। तो जब हम 1.5 किलोमीटर हम पंजे पर भागेंगे, उसके बाद में जब एक आइडिया होगा कि हाँ हमारा लगभग 1.5 किलोमीटर हो चुका है, जो लास्ट का जो यहां तक भी आपको क्या करना है, यहां तक भी आपको ये करना है कि सांस किससे लेना, नाक से लेना है आपको, सांस नाक से लेना है ना, नाक से। लेकिन अब होगा क्या, जब आपका 3 और 1.5 साढ़े 4 किलोमीटर हो जाएगा, अब लास्ट में रह गया आपका 500 मीटर या आधा किलोमीटर, इसको आप क्या करोगे, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ पंजे पर ही रेस को लगाना है, इसको भी पंजे पर ही लगाना है, एडी नहीं टेकनी है, एडी नहीं टेकनी है, केवल और केवल पंजा। लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें शर्त यह है कि आप सांस नाक से लो या फिर मुंह से लो, आपकी मर्जी, लेकिन आपको मुंह खोल देना है ना। अब ये भी बात है, जब आप मुंह खोल दोगे तो नाक से सांस लिया नहीं जाएगा, यानी कि मुंह से ही आप सांस लोगे, तो आपको सांस जो लेना है मुंह से लेना और सांस भी छोड़ना है, तो मुंह से, है ना, आपको सांस लेना छोड़ना सब क्या करना है, मुंह से करना, यानी कि मुंह खोल देना है लास्ट के 500 मीटर पर, आधा किलोमीटर पर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो स्टेप्स हैं, जो कदम है आपके, वो कदमों के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बढ़ने लगेगी, आपके अंदर स्पीड आने लगेगी, आप रेस में स्पीड लेकर आ जाओगे। तो ये 500 मीटर का आपको सूट लगाना है और ये इसको, हाँ, सूट लगाना है ना, सूट, और जितनी आपके पास ताकत है, बॉडी में एनर्जी है, वो सब के सब इसमें लास्ट के आधा किलोमीटर में आपको दिखा देनी है। ये आपको कंटिन्यू करना है, ये आपको कंटिन्यू करना है। ये कब तक करना है, ये आपको तब तक करना है जब तक आपका फिजिकल की डेट, कब तक फिजिकल, फिजिकल की डेट जो भी आपकी रहे, है ना, जो भी आपकी रहे, उससे 7 डेज पहले तक, यानी कि 7 दिन पहले तक, जब आपका फिजिकल में 7 दिन बाकी रह जाए, तब ये आपको बंद कर देना है। अब इसके साथ उसके बाद करना क्या है, दूसरे टाइम पर आ जाइए। ये आपको क्या करेगा, इसका मैं ऑल ओवर मैं आपको बता देता हूं। इससे ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर मजबूती आएगी, आपको रेस लगाने का आइडिया हो जाएगा, आपके जो बॉडी की जो थकावट है वो खत्म हो जाएगी, आपके पैर की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, आपके पैर के जो मतलब जो आगे की जो हड्डी होती है ना, उस हड्डी का जो दर्द होता है वो दर्द अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि हमको बहुत आइडिया हो जाएगा रेस लगाने का, हमको प्रैक्टिस हो जाएगी रेस लगाने की, बहुत अच्छी हमारी तैयारी हो जाएगी रेस की, है ना, इतने कम समय में, ठीक। अब शॉर्ट रेस हमको लगानी है, शॉर्ट रेस का मतलब है कि हम केवल और केवल ये सूट होगा। अब किस तरह से होगा, 800 मीटर की हमारी रेस है, लेकिन हमको 800 मीटर नहीं चलना है, हमें
हमको 100 रेस लगाने के लिए, 800 मीटर रेस लगाने के लिए हमको 1000 से 1200 मीटर रेस लगानी है हमको, ठीक है, 1000 से लेकर 1200 मीटर की रेस। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे दो पार्टों में। देखिए 800 है ना, 800 और अब 1000 लगाइए या फिर 1200 लगाइए, जो भी बाकी रह गया है ना 200 से 400 के बीच जो बाकी रह जाएगा। अब 800 मीटर कैसे लगाना है, 800 मीटर आपको जो लगाना है नॉर्मली लगाना है, चाहे एडी आए या पंजा आए, जैसा भी नॉर्मल हम भागते हैं उसी तरह से भागना है, मुंह बंद रखना है, निगाहें सीधी रखनी है ना 800 मीटर। इसके अलावा जो 200 से 400 मीटर रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह से मैंने बताया, यहां जो सांस लेनी है नाक से लेनी है, यहां जो सांस लेनी है वो मुंह से लेनी है ना, मुंह से सांस। सांस नाक से लेनी है 800 मीटर, यहां सांस लेनी है मुंह से, ठीक। यहां जो आपके जो स्टेप पड़ेंगे नॉर्मल पड़ेंगे, और यहां जो स्टेप आपका पड़ेगा केवल और केवल पंजा पड़ेगा, ना कि एड़ी आपको नहीं टेकनी है, सिर्फ और सिर्फ पंजा आपको टेकना है ना। जितना भी ताकत है आपको लास्ट के 800 मीटर के बाद में जो 200 मीटर लगाओ या 400 मीटर लगाओ ये आपको दिखा देनी है पूरी का पूरी ताकत इसमें। और ये जो रेस होगी, ये जो रेस होगी 800 मीटर से ज्यादा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको वह 800 मीटर लगानी पड़ती है, लेकिन उससे ज्यादा की हम जब तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे हम उससे ज्यादा की भागने की, तब हम 800 मीटर में वहां समय हम अपना बचा पाएंगे है ना, कम से कम समय में कर पाएंगे। तो 800 मीटर रेस ये आपको जब आपका फिजिकल हो जिस दिन, उससे दो दिन पहले तक आपको रेस लगानी है, दो दिन पहले तक, यानी कि दो दिन पहले आपको रेस क्या कर देनी है, बंद कर देनी है, बिल्कुल बंद कर देनी है, आपको रेस नहीं लगानी है दो दिन पहले से, है ना। ये आपको 7 दिन पहले बंद कर देनी है, ये आपके 2 दिन पहले बंद कर देनी है। 2 दिन पहले का मतलब है कि अब आपको रेस नहीं लगानी है, रेस्ट करना, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट, जो कर लिया आपने बहुत कर लिया है ना, और अपना बचाव भी करना है कि हम इंजर्ड ना हो जाए किसी भी तरह के से, हमारे चोट ना लग जाए। इस तरह से आपको 5 किलोमीटर करना है, इस तरह से दूसरे टाइम में चाहे सुबह में भागो शॉर्ट या फिर शाम में भागो, तो इस तरह से आपको ये अपना 800 मीटर के लिए यह तैयारी करनी है, ये अपनी मजबूती के लिए करनी है कि बॉडी मजबूत हो जाए, और ये हमको रेस लगाने के लिए करनी है। जो भी आपका समय बाकी रह गया उस समय में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी तैयारी हो जाएगी। जो अभी तक नहीं हुई है आप यकीन रखें, भरोसा रखें, मैं किसी भी तरह से ग्राउंड में या कोचिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा, आइडिया नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप जाइए फीस पे करिए वहां करिए, नहीं, आप खुद मेहनत करें। मेरा ये शेड्यूल है, इसी तरह से मैं रेस लगाया करता था है ना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किस तरह से रेस लगाई और मेरा क्या रेस का जो रिजल्ट वो क्या रहा था, नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये आप इस चीज पर यकीन रखें, और इसी तरह से जैसे मैंने ये बोर्ड पे उतारा है आप उसी तरह से बिल्कुल रेस लगाओ, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इसका है ना, 100% मिलेगा। और ये भी पक्की बात है, मैं डेफिनेटली मैं 100% ये कह रहा हूं कि कुछ बच्चे कमेंट में या मैसेज में मुझे ये जरूर कहेंगे कि भैया इतना सारा बता दिया अलझेड़ा है ना, क्या हमको मरवाओगे, क्या हमको चोटिल करवाओगे है ना। इस चीज से बिल्कुल ना घबराए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करने से कभी कोई नहीं मरता, हमको तैयारी करने है। और अक्सर जो नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव थॉट जो देते हैं ना वो ही देते हैं जो कंपटीशन की लाइन में बहुत ज्यादा उतरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को किस तरह से ऐसा होता है कि बच्चों के माइंड से खेला जाता है, लड़कों के माइंड से जो कंपटीशन, जैसे आप होता क्या है कि जब आप अगर नए नए कंपटीशन की लाइन में उतरोगे ना और आप उन बच्चों से मिलोगे जो पुराने हैं है ना, तो वो आपके माइंड से खेलना स्टार्ट करते हैं कि यार कंपटीशन में तो इतना वो है, नुकसान है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो इसी तरह से बिल्कुल बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपको इसको करने से मना करेंगे कि ऐसा मत करना यार, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप फिजिकल कर दोगे, और वो ये चाहेंगे कि अगर इसने फिजिकल कर दिया यानी कि कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो हमको क्या करना है, हमको कंपटीशन भी बढ़ाना है और हमको नंबर भी लेकर आना है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा जैसे मैंने बताया, यकीन रखें 100% आपका फिजिकल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो चलिए मैं फिर एक बार नंबर लिख देता हूं अपना, 7520828487 ये व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल है ना, व्हाट्सएप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, कमेंट भी आप लिख सकते हैं, आपको हर कमेंट का हर मैसेज का आपको जवाब दिया जाएगा ना। कोई डाउट है तो मुझसे यहां भी पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर।
ठीक है, किसी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि यकीन मानिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप किस्मत वाले हो कि आप यहां तक पहुंच गए, और जो यहां से पार हो गया समझ लो वर्दी उसकी पक्की है। हम खड़े हैं उसकी स्वागत करने के लिए, उसको पुलिस फैमिली में स्वागत करने के लिए, वेलकम के लिए माला लेकर हम तैयार खड़े हैं उन बच्चों का जो फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। मेडिकल नॉर्मल होता है, उसे बिल्कुल ना घबराएं, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का।